हेलो गाइस, मैं फिर से आ गया एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाई फिशेस स्पिट आउट पैलेट्स। कभी कभार फिशेस पैलेट्स को च्यू करके स्पिट कर देती है। अगर आपकी फिशेस भी ऐसा करती है तो इसकी रेमेडी मैं आज आपको बताने वाला हूँ और इसका रीज़न क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि फिशेस विदाउट फूड 10 to 15 days तक सर्वाइव करती है, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे फिशेस को इंटरनल पैरासाइट्स हो सकता है, बहुत सारी फिशेस स्ट्रेस की वजह से भी खाना नहीं खाती है, और सेम फूड रेगुलरली लेने की वजह से भी हो सकता है, और बहुत सारे रीजंस हैं। तो इसलिए आप फिशेस को फूड में वेरिएशन दीजिए। तो हम बात करते हैं इसके रेमेडी की, जिसके लिए आपको चाहिए होगा गार्लिक ऑयल, जिसे हम हिंदी में लहसुन का तेल बोलते हैं। कोई भी फिश हो, जब आप उसको गार्लिक ऑयल दोगे तो जल्द से खा लेगी। कि फिशेस को अगर वाइट स्पॉट है, इंटरनल डिजीजेज हैं या पैरासाइट है, अगर आप उनको गार्लिक ऑयल फीड करते हो तो जल्द से क्योर हो जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे फीड करना है। जो पैलेट्स आप फिशेस को फीड कर रहे हो उसमें गार्लिक ऑयल मिक्स करके आपको फिशेस को फीड करना है। जो पैलेट्स आप अपने फिशेस को फीड करते हो उस पैलेट्स को एक बाउल में ले लेना है। 5 to 6 drops आपको पैलेट्स में ऐड कर देना है। 10-15 मिनट के लिए फूड को सुखाकर अपने फिशेस को फीड करें, और मेरी गारंटी है कि फिशेस पक्का फूड खाएंगी। सो, अगर आप ये अपने फिशेस को फीड करोगे तो आपकी फिशेस फिर से फूड खाना चालू कर देंगी। सो, फिर से आऊँगा मैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।